हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके सामने एक नए रेसिपी के साथ आई हूँ और इसका नाम है चीज़ी वेजी टोस्ट। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है बारीक कटा हुआ गार्लिक, मशरूम, स्वीट कॉर्न, बीन्स और कैप्सिकम। आपके पास अगर गाजर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यही सब्जियों का इस्तेमाल किया है। वेजिटेबल्स के अलावा इसमें हमें लगेगा बटर, चीज़, ऑरिगैनो, सेजवान चटनी और रेड चिली फ्लेक्स। सबसे पहले गैस ऑन करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर को थोड़ा मेल्ट हो जाने दें, ज़्यादा नहीं पकाना है अदरवाइज़ ये जलने लगेगा। उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे अपना बारीक कटा हुआ गार्लिक। अभी गार्लिक को थोड़ा फ्राई करके इसको हल्का ब्राउन करना है। इस रेसिपी को मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्राई करके। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा गार्लिक ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की सारी सब्जियां जो हमने काट के रखी हुई थी पहले से। मशरूम और कैप्सिकम हम थोड़ी देर में ऐड करेंगे क्योंकि ये जल्दी पक जाता है, इसलिए अभी पहले बीन्स और कॉर्न को थोड़ा पका लेंगे, उसके बाद ये दोनों को भी ऐड करेंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसको थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। अभी यह आधा पक चुका है तो अब टाइम आ गया है इसमें मशरूम और कैप्सिकम ऐड करने का, तो हम एक एक करके दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इनको भी थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे इसको ज़्यादा देर ढक के नहीं पकाना है क्योंकि मशरूम जो है वो मशरूम और कैप्सिकम एक्चुअली वो ज़्यादा गल जाता है ढक के पकाने से, इसलिए हम इसका लीड हटा के अब इसमें नमक और पेपर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिला लें और फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने इसमें एक चम्मच से थोड़ा कम सेजवान चटनी डाला है, यह ऑप्शनल, आप चाहे तो ऐड करें नहीं तो नहीं भी कर सकते। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ऑरिगैनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर और इसको पकाएंगे, पर ध्यान रहे इस बार हमें ढक के नहीं पकाना है, बिना ढके हुए ही पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह पक गया। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने ये टोस्टर लिया है टोस्ट करने के लिए, आप चाहे तो नॉर्मल पैन या तवे में भी पका सकते हैं। सबसे पहले इस टोस्टर को हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम रखेंगे इसमें दो ब्राउन ब्रेड, आप चाहे तो नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के ऊपर भी थोड़ा ऑयल या बटर लगा देंगे। दोनों ब्रेड के ऊपर एक एक स्लाइस चीज़ रख के इस पर हम अपना फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स रखेंगे और फिर हम इस टोस्टर को बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारा चीज़ी वेजी टोस्ट रेडी है। ध्यान रहे इसको ज़्यादा देर गर्म ना करें वरना सब्जियाँ जो हैं टोस्टर में चिपकने लगेंगी।